भिवंडी स्नैक्स इंडस्ट्री में एक नया एडिशन होने जा रहा है। रिसेंटली कल्याण नाके पर राधास फूड कोर्ट की ओपनिंग हुई है, जहां पर दिवाली के मौके पर एक्साइटिंग ऑफर्स आने वाले हैं। राधास फूड कोर्ट पर चाइनीज फास्टिंग स्नैक्स, टी, वैरायटी ऑफ चाट जैसे कई स्नैक्स अवेलेबल हैं, और ये सारी वैरायटी आपको जैन ऑप्शन में रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेगी। स्नैक्स के अलावा आपको यहाँ पर प्योर मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ भी मिलेंगी। राधास फूड कोर्ट में आपको मावा लेस मिठाई का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं। दिवाली के ऑफर्स जानने के लिए और डिलीशियस स्नैक के मजे उठाने के लिए जरूर विजिट करें राधास फूड कोर्ट। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई। भिवंडी के अंजूर फाटा स्थित खाड़ी में पिछले कई महीनों से इमारतों का मलबा और मिट्टी भरकर बंद किया गया है और वहां पतरा शेड डालकर गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ तहसीलदार में शिकायत दर्ज करवाई गई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि खाड़ी बंद करने से मानसून में गाँव वालों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। मुमरा में अब टीबी मुक्त शहर बनाने की मुहिम और कोशिश तेज की जा रही है। दिवाली के मौके पर सभी मिठाई की दुकानों पर कोरियन टेक्नोलॉजी की मशीन इंस्टॉल की गई है, जो ग्राहकों की जांच कर फौरन ही रिपोर्ट्स भी दे देगी, जिससे टीबी को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकेगा और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाएगा। मुंबई में पिछले 5 सालों के अंदर 59,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 594 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 264 केस को सॉल्व किया जा चुका है और 4% मामलों में ही आरोपियों को सजा दी गई है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही लोग काफी हैरान भी हुए। नवी मुंबई में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, क्योंकि आरोपी को दोस्त का जोर से बात करना पसंद नहीं आया था। लोग इस मामले के सामने आने से हैरान भी हो गए हैं और दहशत में भी आ गए हैं, क्योंकि अब कत्ल करना लोगों के लिए एक आसान ऑप्शन बनता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया हुआ है। इस बार दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश में पटाखों पर पाबंदी आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पाबंदी सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन पर काबू रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। भिवंडी महानगर पालिका ने एक बार फिर अवैध बांध काम पर अपना हथौड़ा चलाया है। प्रभाग समिति 5 के अंतर्गत गैर कानूनी तौर पर बांध काम किया जा रहा था, जिसकी खबर मिलते ही मनपा की टीम ने यहां तोड़क कार्रवाई की। इस कार्रवाई से अवैध बांध काम करने वालों में हलचल मच गई है। एक बार फिर खुद को पुलिसकर्मी बताकर लुटेरों ने नागरिकों के साथ लूट अंजाम दी। दिन दहाड़ी स्कैमर्स लोगों को गुमराह करते हुए खुद को पुलिसकर्मी बताते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से उनके सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में लोगों से होशियार रहने की और अपने कीमती सामानों की हिफाजत करने की अपील की जा रही है। भिवंडी में ड्रामा और शॉर्ट फिल्म्स में अदाकारी करने वाले मशहूर एडवोकेट अमीन खान की बहन डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला खान ने औचितपाड़े में अपना मखदूमा क्लिनिक शुरू किया है, जहां सोशल वर्क करते हुए गरीबों को कम पैसों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस क्लिनिक के इनॉग्रेशन में कॉरपोरेशन कमिश्नर अजय वैद्य, प्रिंसिपल जियाउर रहमान और मुखलिस मधुसर शामिल हुए। भिवंडी के अंजूर फाटा रोड पर कल रात एक सड़क हादसे में एक और शख्स की जान चली गई। लगातार भिवंडीकर सड़क हादसों में अपनी जान खो रहे हैं। प्रशासन से अपील की जा रही है कि इन्हें रोकने की कोशिश की जाए और शहरियों को सुरक्षित रखा जाए। चाविंद्रा, पोगांव, रामनगर, गायत्री नगर और नागांव स्थित डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ अब रहवासी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और डंपिंग ग्राउंड बंद करने की मांग को लेकर 9 नवंबर 2023 सुबह 9 बजे से एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें अपनी मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। आज की हमारी ये टॉप न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही अपनी राय भी दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।